देना शुरू भी किया था कि बेहद नजदीक से पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक गोली चली। So hey guys, good morning, welcome to a new vlog. Hope you guys all are fine. तो आप सोच रहे होंगे ये आवाज़ क्या है, कई बुरे आने हैं आवाज़ के, बट इग्नोर करना, सिर्फ बात है कि ना सुबह से आपने देखा आज व्लॉग किस तरह कैसे हुई न्यूज़ से, बिकॉज मैं सुबह उठ के न्यूज़ देख रहा था, परसों अतीक अहमद का बेटा मारा गया, आज अतीक अहमद मारा गया, तो योगी जी ने बोला था मिट्टी में मिला देंगे, तो देख रहे हो ना गाइस, इसीलिए नहीं बोल रही योगी जी को द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदुत्व, योगी जी हमारे हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जो माफिया हैं जो गलत करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, साफ बात है गाइस। मतलब इस ऐसी न्यूज़ को देखना सही होता है कि हाँ यार अब कोई गलत काम कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि डर रहेगा कि कहीं पर भी एनकाउंटर हो सकता है, कहीं पर भी गाड़ी पलट सकती है, कहीं पर भी बाइक गिर सकती है, ऑन मीडिया गोली भी चल सकती है, तो मतलब ऐसा है कि हाँ अगर कोई उल्टे काम नहीं करेगा सब ठीक रहेंगे, यह है द ब्रांड एम्बेसडर योगी का। सो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, आज है संडे, देखता हूँ मैं आज क्या क्या करता हूँ गाइस, जो भी करूँगा सब बताऊँगा आपको। तो दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है, तुम्हारा भाई आया है खेतों में, आज हमारे खेतों में लग रहा है हल, आप सोच रहे होंगे कितने बार लगता है, तो गाइस आज हमारे एक दो खेत बच रखे थे वहाँ हल लग रहा है, तो मेरी ड्यूटी आज सुबह लगी है हल लगाने की, भाई जी के साथ थोड़ा बहुत हल लगा रहा हूँ मैं, ज़्यादा तो मेरे को नहीं आता, बट जितना भी आता है थोड़ा बहुत लगा लेता हूँ मैं हल। तो अभी मैं आया था यहाँ, दो चार सी हमारे यहाँ इनको बोलते दो चार लाइन हाल मैंने लगाई, अब भाई जी लगा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत स्लो लगा रहा हूँ इससे, मैं तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। सो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, आज अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं जोरंगी, बिकॉज मान पूर्णा देवी को हम ले जाते हैं उनके मंदिर सूर्यधार में, वो भी नंगे पाऊँ, तो गाइस सुबह शाम के हो चुके हैं 4:30 और मैं आज लेट हो गया जाने में, तो गाइस मैं फटाफट निकलता हूँ पहले जोरंगी, लेकर जोरंगी के बाद दिखाऊँगा आपको आज की यात्रा हमारी। तो अभी हम पहुँचे थे जोलंगी, और जोलंगी की शुरुआत हो रही है ऋतिक भाई से, ऋतिक भाई एक बार दोस्तों निकल चुके हैं हम सूर्यधार के लिए, ये हमारी टीम पीछे दिखने रही यार, ये हमारी टीम है पीछे, ये भाई चॉकलेट बन रहा है सबको बहुत टेस्टी वाली। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में, वो भी नंगे पैर, और ये हमारे साथ हमारे बड़ीज, और आगे दिखा दूँ मैं आपको, मेरे पास है अभी नागार्जुन भगवान और आगे हैं माँ अन्नपूर्णा। तो गाइस ऐसा होता है कि माँ की जो ये बना रखी डोली टाइप का वो आगे चलता है नागर जो पीछे, तो कल मैं माँ की डोली ले जा रहा था, तो कल मैं आगे चल रहा था और आज मैं पीछे चल रहा हूँ। दोस्तों फाइनली अब ले जा रहे डोली को आगे और मैं आ गया हूँ पीछे, बिकॉज यहाँ बहुत सारे कांटे वगैरह पत्थर वगैरह, जय माता दी लिख दे और कमेंट में लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जो चाहे वो करे, फोन पे पत्थर मारो कुछ करो और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब होना चाहिए गाइस, पर सुन रहे हो ना आप, सुन रहे हो ना आप, चलो गाइस और देख रहे होंगे पसीना पसीना हो गया। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाए। गाइस आप देख सकते हो हमारी देवी माँ अपने मंदिर में पहुंच चुकी है, और कितनी खुशी का दिन है ये, माँ नागार्जुन जी आपके पीछे, बोलो जय देवी भगवती की जय, बोलो नागार्जुन देवता की जय, ओ
माता के जय देवता के बोल देवी भगवती के जय बोल मां अन्नपूर्णा के थैंक यू ब्रो। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम सुरीदार में और हालत देख सकते हो आप पसीने से क्या हो चुकी है, बुरे हाल पसीने से। बट गाइस आज हम बहुत जल्दी पहुंचे कल के मुताबिक, क्योंकि कल हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था आने में, राजा अभी धूपी है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। चलो गाइस बढ़िया है, अब मिलता हूँ आपको थोड़ा आराम करने के बाद। पहले करेंगे हम यहाँ की परिक्रमा, तीन चक्कर लगाएंगे हम मान पूर्ण के डर भी कूल लगा ही रहे तो गाइस, और अभी हम लगाएंगे तीन चक्कर यहाँ परिक्रमा, उसके बाद आराम करेंगे, उसके बाद बताऊँगा मैं आपको। ये मंदिर के अंदर पूजा और हमारे ऋतिक भाई और नैतिक लगे हैं अपने काम में, यहाँ पे सामने आग जला रखी है और ये चेक कीजिए आप कितने सुंदर नज़ारे आ रहे हैं, कितने सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। और ये कुछ हमारे लड़के हैं जो लगे हैं फ्री फायर गेमिंग जोन में हैं, गेमिंग हाउस भी है, गेमिंग एरिया भी है सब कुछ है, आउटडोर गेमिंग कर रहे हैं। मंडा लगा बोल अन्नपूर्णा के बोल नागर जय देवता के बोल मां सुरकंडा सुरी के बोल अन्नपूर्णा के। दोस्तों समय आ चुका है मंदिर से वापस जोलंगी जाने का, तो चलो गाइस चलते हैं जोलंगी के लिए। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं जोलंगी गांव में और देखा हम लोग कितनी रात हो चुकी है यहाँ गांव में, खतरनाक अंधेरा हो चुका है गाइस आते आते, बट कोई बात नहीं गाइस चलता है, अब पहुँचने वाले हम अपने चौथरे में। चलो गाइस चलते हैं, देखिए कितना अंधेरा हो रखा है, लाइट चल चुकी है सब जगह। सो गाइस फाइनली 8:30 बज चुके हैं और तुम्हारा भाई आ चुका है जोलंगी से घर। रात को पैदल अंधेरे में जैसे ही घर में जैसे गाइस में घर आया मेरे को मिले यहाँ सरप्राइज, मम्मी जी लाई है मेरे लिए न्यू टी शर्ट, थैंक यू मम्मी जी। बस मैंने अभी इसकी फिटिंग चेक नहीं किया, वो कल सुबह करूँगा। तो गाइस बढ़िया हुआ एक टी शर्ट हो गई मेरे पास, और मैं सोच रहा था वैसे भी टी शर्ट वगैरह लाने की, बट चलो सही हुआ मम्मी ले आई। और गाइस मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल ही अलग लग रही होगी तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि आवाज़ गई समझो, तो 2-3 दिन में हो जाएगी ठीक। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।